लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग परेशान हैं, लोग दुखी हो चुके हैं, और खासकर वो लोग जो सड़कों पर दरबदर हैं, जो अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोग दूर दूर से, या तो स्टेट दूसरी दूसरी स्टेट से जो है जम्मू कश्मीर में आए थे काम काज करने के लिए, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हों, या फिर और काम काज के लिए लोग जो यहाँ पर आए थे, वो यहाँ पर फंस चुके हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूँ जम्मू प्रोविंस के ही कुछ लोगों की, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जम्मू में आते थे यहाँ पर काम काज के लिए, यहाँ पर फैक्ट्रीज में, बड़ी ब्राह्मणा में या कहीं और, वो लोग भी यहाँ पर फंस के रह गए हैं। और उन लोगों के पास भी ऐसी कोई सुविधा नहीं कि वो वापस अपने घरों तक, अपने गाँव तक पहुँच सकें या वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में जा सकें, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है ऑपरेशन बंद हो गए हैं, इंटर स्टेट ऑपरेशन बंद हो गए हैं। इसलिए ये लोग जो हैं वो सभी जम्मू में फंसे हुए हैं। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी हमने आपको बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई, जिसमें आपने देखा कि कैसे पैसेंजर्स जो हैं, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वो दर बदर हो रहे हैं सड़कों पर। हमने आपको आपकी उनसे बात भी कराई, उन्होंने भी आपको बताया कि हमें कितनी परेशानी हो रही है। हर कोई अपील कर रहा है इस वक्त कि प्रशासन हमारी सुने। आज मैं आपको जम्मू प्रोविंस के ही रियासी डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों की कहानी सुनाऊंगी कि वो भी यहाँ पर फंसे हैं। 40 लेबरर्स हैं यहाँ पर जो इस वक्त सुंजुआ में हैं, जो इस वक्त मोमिनाबाद लेन नंबर 8 सुंजवा बठिंडी में फंसे हुए हैं। ये 40 के 40 जो लेबरर्स हैं ये जम्मू में काम करने के लिए आए थे, और ये सभी अभी फ़िलहाल, इनके पास कोई भी पैसा नहीं है, इनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और खुले आसमान के नीचे ये लोग जो हैं वो रह रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी उनके पास कोई काम भी नहीं है, पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हीं लोगों ने ये कहा है कि हमारा गांव, हमें अपने गांव में वापस जाना है, और हमें हमारे गांव में भेजने के लिए प्रशासन कोई ना कोई प्रबंध करे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अभी इनके पास कोई भी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद है, ये लोग यहां पर फंसे हुए हैं। और आपको बता दूं कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी के ये लोग हैं, तुस्कन गाँव से, महोर तहसील से, और डिस्ट्रिक्ट रियासी यहाँ के ये लोग हैं। ये 40 लेबरर्स हैं जो यहाँ पर सुंजवा में फंस चुके हैं इस वक्त, और ये नहीं जा रहे हैं। इन्हें अपने परिवारों की बहुत चिंता हो रही है, बहुत से लोग पैनिक हैं इनमें से कि इन्हें अपने परिवारों के पास वापस जाना है। इनके पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही परेशान हैं ये लोग। इन लोगों ने यही कहा है, हमसे ये गुजारिश की है कि हम, जैसे कि प्रशासन बहुत अच्छे कदम ले रहा है हर तरफ, प्रशासन की अगर देखें तो मतलब एक तरीके से उनसी बहुत अच्छे कदम लिए जा रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा काम भी कर रहा है हर तरफ, तो एक उम्मीद क्या ये लोग लगा सकते हैं प्रशासन से। इन्होंने यही हमसे कहा कि आप प्रशासन से ये अपील करें कि हमारी बात भी सुनी जाए, हमें अपने घरों में वापस जाना है, अपने परिवार के साथ जाके बैठना है। ये लोग परेशान हैं यहाँ पर, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जहाँ प्रशासन हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जहाँ प्रशासन हर एक ऐसी मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों को घरों में रखा जाए, उनके परिवारों में सुरक्षित रखा जाए, क्या इन लोगों के लिए प्रशासन थोड़ा सा एक ये कदम नहीं ले सकती कि इन्हें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ कुछ ऐसा फैसिलिटी, इन्हें भी कुछ ऐसे व्हीकल्स दिए जाएं। ये पब्लिक से भी अपील है कि लोग जो यहाँ पर फंसे हैं उनकी मदद की जाए, उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए, या तो उन्हें रहने के लिए कोई शेड वगैरह दिया जाए, ताकि ये लोग, क्योंकि बारिश का मौसम है, आज बारिश हो रही है पूरे जम्मू में, आप देख सकते हैं कि बारिश के इस मौसम में ये लोग आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और साथ ही में जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो कितनी ज़्यादा मुश्किल जो है वो इन लोगों को होगी। और मैं आपको वापस एड्रेस बता दूं कि इस वक्त ये लोग, ये 40 जो लेबरर्स हैं जो काम करने के लिए जम्मू में आए थे, ये लोग इस वक्त मोमिनाबाद लेन नंबर 8 सुंजवा बठिंडी में इस वक्त ये लोग मौजूद हैं। और मैं उन वहाँ के रहने वाले लोगों से भी यही गुजारिश करूँगी कि इन लोगों को खाने के लिए, कम से कम दूर से ही सही पर इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर दें। ये 40 लेबरर्स हैं, भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये अगर कुछ ग्रॉसरी शॉप्स खुली भी हैं तो वहां जाकर भी ये कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। और पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर इनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी सब कुछ लॉकडाउन है, अगर अभी सब कुछ नहीं खुला है तो आखिर ये पैसा कहां से कमाएंगे और कहां से खाएंगे। ये लोग जो हैं वो महोर तहसील के रहने वाले हैं, तुस्कन इनका गांव है, वहां पर इनका परिवार इनका इंतजार कर रहा है। प्रशासन से दोबारा से यही अपील है कि ये लोग जो यहां पर फंसे हुए हैं, आपसे बहुत उम्मीद, आपसे बहुत तवक्का रखते हैं, तो कृपया करके इनकी बात सुने, इनकी बात सुने और इन्हें इनके घरों तक पहुंचाएं।